मंडी जिला के बलह विधानसभा क्षेत्र के बहना से पुलिस विभाग में कार्यरत हेड कांस्टेबल की बेटी बबीता धीमान ने एचएएस की परीक्षा में टॉप 5 में अपनी जगह पक्की करके क्षेत्र और माता पिता का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। बता दें कि इसी वर्ष बबीता का चयन बतौर सहायक जिला न्यायवादी के तौर पर हुआ था और वे जिला के सुंदरनगर न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रही थी। वहीं अब उनका चयन बतौर प्रशासनिक अधिकारी एचएएस के तौर पर हुआ है। बबीता धीमान ने कहा कि उनके पिता मुरारी लाल पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर सेवारत हैं, जबकि माता शीला देवी गृहिणी हैं। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को संदेश दिया है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, हिम्मत और लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और रिश्तेदारों के साथ छोटी काशी मंडी के देवी देवताओं को दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मेरा चयन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में एक एचएएस अधिकारी के रूप में हुआ है। अपनी इस सिलेक्शन का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिजनों व जैसे कि आप जानते हैं कि मंडी ज़िला को छोटी काशी कहा जाता है, तो सभी देवी देवताओं को और देव कमरूनाथ को देना चाहूँगी। एचएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा मेरे माता पिता के संघर्ष से मिली। मेरी माता जी एक गृहिणी है, उनकी वर्ष 1998 में एक ब्रेन ट्यूमर की मेजर सर्जरी हुई है और मेरे पिताजी इस समय हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने मुझे व मेरी बहन को पढ़ाने के लिए व इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इसी बात पर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी शायरी आ रही है जो मैं हमेशा से बोलना चाहती थी कि मेरी सोच, मेरी हर सोच उनकी ही खोज है। आज मुझ में जो रोशन है वो बस उनकी सोच है। आज मुझ में जो रोशन है वो बस उनकी सोच है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे एचएएस के बैच में काफ़ी महिला अधिकारियों का चयन हुआ है और अब मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदल रही हैं और अब महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आगे बढ़कर हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। जैसे आपने अभी शिमला के इलेक्शंस में देखा होगा, उसमें 34 में से 20 महिलाओं ने सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम आगे जा रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला सकें और उन्हें उनके सब अधिकार मिले। ये कहा जाता है कि इट्स नॉट अ जॉब दैट वी हैव बीन चूजन फॉर, इट्स अ सर्विस, इट्स पब्लिक सर्विस। तो मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगी कि जिस काम कार्य के लिए मुझे चुना गया है मैं उसमें अपना 100% दूँ और मैं जितना हो सकती हूँ खुद को लोगों की सेवा में समर्पित कर सकूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।